का रास्ता बता दो। लेकिन तुम लोग आवारा जंगल क्यों जाना चाहते हो? एक जहरीला नाग ने हमारे एक साथी को काट लिया है, उसे ही बचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। उसे केवल आधे इंसान और आधे सांप वाले नाग के जहर से ही बचाया जा सकता है, जो नाग लोक में रहता है। और हमें नाग लोक जाने के लिए पहले हमें आवारा जंगल में जाना पड़ेगा। तो ये बात है, हमारा एक साथी वहाँ आखिरी सांसें गिन रहा है, जल्दी आवारा जंगल जाने का रास्ता बताओ। आवारा जंगल, जो भी आवारा जंगल में जाता है उसे जादूगर भोजपुरी बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। जादूगर भोजपुरी कुछ ज्यादा ही खूंखार है क्या? जब उससे मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना खूंखार है वो। उसने हमारे साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, हमारे कई साथियों को मार दिया। किसी तरह हमने अपनी जान बचाई और यहाँ इस पागल पहाड़ पर उससे छुप कर रह रहे हैं। लेकिन महाराज पुदीना, हमें आवारा जंगल जाना ही होगा, हम यहाँ तक आकर वापस जाना नहीं चाहते। तुमने हमारी जान बचाई है तो तुम्हारी बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। आवारा जंगल में इन गधों से जाओगे तो दिनों महीनों नहीं सालों लग जाएंगे। सरदार, आपसे बोला था कि घोड़े खरीद लो, मेरी बात नहीं सुनी और पैसे बचाने के चक्कर में गधे खरीद लाए। अब हम आवारा जंगल नहीं जा पाएंगे। ठंड रख पुत्र, मैं तुम्हें आवारा जंगल लेकर जाऊंगा। लेकिन आप कैसे ले जाएंगे महाराज पुदीना? धनिया धनिया आ जाओ, महाराज पुदीना तुम्हें बुला रहे हैं। हमें बाघ ले जाए।
सरदार, बाघ पेड़ पर चढ़ेगा तो नहीं? बाघ से ही पूछ ले। सरदार, सपेरा तो धीरे धीरे बाघ के मुंह में जा रहा है, जल्दी कुछ करो। अबे सपेरा, जल्दी उल्टी कर। उल्टी करेगा तो तेरा वजन कम होगा और तुम ऊपर आएगा। पिछले 10 दिनों में एक निवाला भी मुंह में नहीं गया है, तो उल्टी क्या खाक करूंगा। तो अगर कोई सामान जेब में रखे हो तो जल्दी उसे फेंक दो। ठीक है, देखता हूँ क्या रखा हूँ जेब में। जेब में कंघे लेकर घूमता है, तुम्हारे सर पर तो बाल गिने चुने ही बचे हैं। अबे जल्दी कुछ करो, मैं नीचे जा रहा हूँ। देखो और कुछ तो नहीं है जेब में। अरे दादा, इतना बड़ा चाकू। अबे इतना बड़ा चाकू क्यों रखा है? बाद में बता दूंगा, पहले बच तो जाऊं। तुम थोड़ा ऊपर आए हो, अगर कोई और भी सामान हो तो उसे फेंक दो। सरदार, ये तो हमसे भी बड़ा डाकू निकला। बड़े बड़े हथियार पिछवाड़े में छुपा रखा है। अबे ये इतना बड़ा बंदूक कहाँ से लाया? ये सब बातें बाद में भी बता सकता हूँ, पहले बच जाऊँ। तुम्हारे गोदाम में और कुछ हो तो जल्दी उसे भी फेंक दो। ये तो ईंट पत्थर भी गोदाम में छुपा रखा है। बाल बाल बचा। अबे इतने सारे हथियार किस लिए रखा है बे? अब तो बच गया, अब तो बता दे। ये सब हथियार इसलिए रखता हूँ कि अपनी बीबी को डरा कर काबू में कर सकूं। क्यों, तेरी बीबी तुझे पीटती है क्या? हाँ, मेरी बीबी मुझे बहुत मारती है, गिरा गिरा के मारती है। अपनी हिफाजत के लिए ही ये सब हथियार साथ रखता हूँ। चुप हो जा, ये सब तुम्हारी ही नहीं सभी मर्दों की यही कहानी है। पता नहीं बीबियाँ इतना खूंखार क्यों होती है।